महिला जो है जो आधी आबादी है वो आधी आबादी भी काफ़ी जागरूक हो चुकी है, चूँकि उन्हें चुनना है अपनी गांव अपनी सरकार को। इसलिए इस लिहाज से चूँकि देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो यह काफ़ी सुरक्षा का पूरा पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है, ताकि कोई भी अगर विधि व्यवस्था में कोई खलल उत्पन्न हो तो इससे निपटने के लिए तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद कर दिए गए हैं। आप देख लीजिए, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये लंबी कतारें हैं, ये लंबी कतारें इस बात का द्योतक है कि लोग जागरूक हैं और जागरूक होकर ये मतदान जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के में ये सहयोग कर रहे हैं, चूँकि इन्हें चुनना है, इन्हें अपनी गांव की सरकार को चुनना है। वहीं धनरुआ प्रखंड के धनरुआ मध्य विद्यालय में आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं में उदासीनता देखी गई। धनरुआ प्रखंड का ये धनरुआ मध्य विद्यालय है जहां निर्वाचन आयोग और प्रशासन के द्वारा ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन देखे दिन के 11 बजे हैं और देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा है ये आदर्श मतदान केंद्र पर। देखिए ये सन्नाटा है, मतदाताओं में उत्साह नहीं देखा जा रहा है। अगर बात करें कुल वोट की तो यहाँ कुल वोट 500 है, जिसमें मात्र अभी 11 बजे तक 125 वोट ही पड़े हैं। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है ये मतदाता जागरूक नहीं है या जागरूक नहीं किया गया है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है, साफ साफ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस प्रकार इस बूथ पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है। कि अगर बात करें तो केवल यहाँ जो विभिन्न जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी के केवल पोलिंग एजेंट हैं, और ये पोलिंग एजेंट जो हैं ये बता रहे हैं हमको कि कुल कितना वोट पड़ा है, कुल कितना वोट है यहाँ? 501 वोट है। कितना पड़ा है इनका? 104.5 पड़ा है। तो ऐसा मतदाता में क्या ये जागरूकता नहीं है या जागरूक नहीं? जागरूकता है, अब आएगा सब, सुबह सुबह सब खाना वाना बनाने के लिए गए हुए बना रहे हैं, अब लोग आएंगे खाना वाना खा। ये मतदान केंद्र जो है आदर्श मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रखंड में चयन किया जाता है कि इसको मतदान केंद्र बनाया जाए आदर्श मतदान, तो ये आदर्श मतदान केंद्र तो मतदान को भीड़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बूथ छोटा हो गया सर, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ कम गया है, लेकिन भीड़ रहेगा, भीड़ आएगी यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। तो ऐसा क्या कुछ है, मतदाताओं को जागरूक नहीं किया गया है या जागरूक है नहीं? जागरूक तो क्या ही क्या, ये तो आपका बाजार का क्षेत्र है, मैं पता करता हूँ अभी क्या स्थिति यहाँ पे है, मैं तो जस्ट आया हूँ यहाँ देखने के लिए। दिन के 11 बजे हैं, कुल 500 वोट हैं, जिसमें मात्र अभी 125 वोट पड़े हैं, तो अभी देखने की बात होगी, अब हो सकता है कि वोटर यहाँ पे घर पे होंगे, खाना खाने के बाद आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं ऑब्जर्वर हूँ पटना जिला के लिए, धनरुआ पंचायत प्रखंड के लिए। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार भारती। वहीं रेपुरा में मतदान केंद्र पर भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए थे। तो यहाँ चूंकि रेपुरा केंद्र पर हम देख रहे हैं कि ये जो मतदाता हैं ये मतदाता भयमुक्त होकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी गांव की सरकार को चुन रहे हैं, अपने पंचायत की सरकार को चुन रहे हैं। चूँकि देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये पूरे बूथ को दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार यहाँ जो मतदाता हैं ये भयमुक्त हैं, चूँकि इन्हें अवसर मिला है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। और लोकतंत्र का जो महापर्व है यह पंचायत का चुनाव, यह निश्चित रूप से इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, निश्चित रूप से आप देखते हैं महिलाओं की एक कतार को हमने देखा था, चूँकि महिलाएं भी इस काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं और यह भी अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ रही हैं कि निश्चित रूप से अगर मेरे मत के द्वारा मेरे गांव की सरकार बनती है, पंचायत की सरकार बनती है, निश्चित रूप से तभी ये लोकतंत्र का जो पर्व है पंचायत चुनाव ये सफल हो पाएगा। कि यहाँ जो काफ़ी सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, निश्चित रूप से ये जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ तैनात किए गए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए एक पुलिस अधिकारी, क्या सुरक्षा कुछ किया गया है? कुछ यहाँ पर तो शांति व्यवस्था चल रही है, शांति ढंग से मतदान हो ही रही है, आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप क्या करेंगे? हम अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित करेंगे। आपको यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, चूंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि परिंदा पर नहीं मार सके, इसके लिए आपकी भी जो भागीदारी है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कदाचार को रोकने के लिए हम तत्पर हैं। अच्छा ना, आज विशेष होगी तो अपने बड़े को सूचित करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी सुरेश राम है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे प्रारंभ हो गई है,
सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट का दौरा हो रहा है, वीडियो साहब खुद अपने दौरा कर रहे हैं। हम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में दोनों बूथ पर तैनात हैं और जो है उसमें अच्छी तरह आप जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है। कितने बूथ बनाए गए हैं यहाँ? यहाँ 4 बूथ बनाया गया है, 2 बूथ 8 और 7 यहाँ है और 9-10। अपनी गाँव अपनी सरकार का चुनने के लिए यहाँ जो मतदाता हैं, मतदाता कतारबद्ध हैं, ये अपने मतों का उपयोग करने के लिए, चूंकि इन्हें संवैधानिक अधिकार मिला है कि आप अपना मत का प्रयोग करेंगे और मत का प्रयोग करने पर आप अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। वहीं रसलपुर में ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान देर से शुरू हुई थी। रसलपुर बूथ नंबर 149 है। क्या कुछ गड़बड़ी हुई यहाँ? गड़बड़ी तो कुछ नहीं हुई थी। सुबह में हम 7 बजे यहाँ आए मतदान केंद्र पर, तो लोग बोला कि मशीन गड़बड़ है। तो हम ऐसे मास्टर ट्रेनर वगैरह में रहते हैं, सरकारी कर्मी हैं, तो हम गए कि क्या ठीक है, तो देखे कि उसका जो क्लिप था वो टूटा हुआ था, तो बीयू के सीयू से नहीं जुट रहा था, तो क्लिप टूटा हुआ था। तो मैंने यहाँ के जो दंडा अधिकारी प्रतिनियुक्त थे उनसे मैं मजिस्ट्रेट का नंबर लिया और मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, तो वो नए मशीन लेकर के आए। फिर नए मशीन को मैं यहाँ कनेक्शन करवा करके और वोट शुरू करवाया। मतदान कितने बजे शुरू हुआ? ये लगता है 1.5 घंटा बाद हुआ। कितने बजे? 8:30। 9 बजे 8:30 8:30 बजे 1.5 घंटा बाहित रही जी। तो अब क्या कुछ मांग है निर्वाचन आयोग से? मांग यही है कि अगर मान ली 5 बजे तक वोट पड़ना है, अगर 5 बजे तक मेरा मतदाता ग्रामीण अगर दे देता है वोट, अगर नहीं है मेरा मतदाता तो कोई बात नहीं है, अगर मतदाता बढ़ती है 5 बजे के बाद तो उसको कुछ प्रेफरेंस दिया जाए। क्या नाम हुआ? वोटर है, मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद हुआ। आई है वोट मामा वोट देने आई है? हाँ। कितना उम्र होगा आपका? 94 हो रहा है। मामा आप जो वोट देने आई है जी। तो किस आधार पर वोट देने आई है? विकास के नाम पर। बोलिए मामा। नहीं बोल पाइए। विकास के नाम पर। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी।